हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, टेलीविजन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल ने खरीदा अपना पहला आशियाना, पूरा किया अपने सबसे बड़े सपने को। कितने का घर लिया है शहनाज का और क्या कुछ है उस घर की डिटेल्स, चलिए आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। शहनाज कौर गिल, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 13 के बाद इतना नाम कमाया कि हर घर में शहनाज का नाम गूंजने लगा। हाल ही में शहनाज सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आई और ऐसे में शहनाज इस फिल्म में दर्शकों का दिल भी चुराती हुई नजर आई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शहनाज कौर गिल जहां एक और अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म पर काम करना शुरू कर चुकी हैं, जो कि वो रिया कपूर के साथ कर रही हैं, तो वहीं शहनाज ने मुंबई में समुद्र के पास अपना एक खूबसूरत आशियाना खरीदा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आशियाने की, इस मकान की कीमत शहनाज ने 4.5 करोड़ भरी है। ये वही शहनाज कौर गिल हैं जो जब बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर आई थी तो मुंबई में रहने के लिए ना तो उनके पास घर था और ना ही घर खरीदने के पैसे। लेकिन शहनाज ने अपनी कीमत खुद बढ़ाई, खुद अपना नाम कमाया। हम आपको बता दें कि शहनाज ने जिस तरह से पॉपुलैरिटी को कमाया, उनकी नेट वर्थ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शहनाज ने 30 करोड़ की नेट वर्थ अपनी कर ली है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है इतने कम समय में। हाल ही में शहनाज आपको सलमान की फिल्म में नजर आई, लेकिन अब वो रिया कपूर यानी कि अनिल कपूर की बेटी के साथ फिल्म में काम करने जा रही हैं। दोस्तों, शहनाज का ये घर समुद्र के किनारे है, इसमें खूबसूरत सी बालकनी है और 3 बड़े बड़े लेविश बेडरूम है और इन बेडरूम में शहनाज ने बहुत अच्छा डेकोर भी करवाया है। खबरें तो ये भी हैं कि सलमान खान ने शहनाज को किसी का भाई किसी का जान सुपरहिट होने के बाद खास तोहफा भी दिया है। कितने एक्साइटेड और कितने खुश हैं आप शहनाज की इस गुड न्यूज को सुनकर, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।